एक दिल्ली में है शहजादे, बहुत बड़े माता पिता की संतान। और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और डिले हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे कि शहजादे हम देखते हैं एक दिल्ली में है शहजादे बहुत बड़े जैसे कि शहजादे हम देखते हैं एक दिल्ली में है शहजादे बहुत बड़े माता पिता की संतान। और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और डिले हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कोई स्नेह कोई प्यार। आज मुझे कोई दौलत कोई शोहरत कोई मीडिया की अटेंशन कोई काम की कमी यहाँ खींच कर लेकर नहीं आई है, कोई बाप दादाओं की दी हुई पॉलिटिकल जागीर मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाई है। मुझे मेरी मातृभूमि के लिए प्यार, मेरी मातृभूमि के लिए लगाव, हिमाचल वासियों का प्यार। और जैसा कि किन्नौर आप देखते हैं जितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है दोस्तों, उससे जैसे कि शहजादे हम देखते हैं एक दिल्ली में है शहजादे बहुत बड़े माता पिता की संतान। और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और डिले हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कोई स्नेह कोई प्यार। आज मुझे कोई दौलत कोई शोहरत कोई मीडिया की अटेंशन कोई काम की कमी यहाँ खींच कर लेकर नहीं आई है, कोई बाप दादाओं की दी हुई पॉलिटिकल जागीर मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाई है। मुझे मेरी मातृभूमि के लिए प्यार, मेरी मातृभूमि के लिए लगाव, हिमाचल वासियों का प्यार। और जैसा कि किन्नौर आप देखते हैं जितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है दोस्तों, उससे